रेडियो खांची 90.4 फोर हम सबका रेडियो मैं डॉक्टर गीता सिंह रांची विमेंस कॉलेज दर्शन विभाग मेरा टॉपिक है व्यवहारिक जीवन में वेदांत दर्शन की उपयोगिता यह सेमेस्टर फोर की स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है इसे मैंने भारतीय दर्शन की पुस्तक डॉ राधा कृष्णन एवं विवेकानंद साहित्य से तैयार किया है व्यवहारिक जीवन में वेदांत वेदांत दर्शन के सिद्धांत सही होने पर भी उसे कार्य रूप में परिणत करना आवश्यक है नहीं तो बौद्धिक व्यायाम के अतिरिक्त उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता अतएव वेदांत यदि धर्म रूप में स्थापित होना चाहता है तो उसे संपूर्ण रूप से व्यवहारिक होना चाहिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के बीच जो एक काल्पनिक भेद है उसे भी समाप्त होना चाहिए क्योंकि वेदांत का खंड वस्तु प्राण सर्वत्र विद्यमान है धर्म के आदर्श हमारे प्रत्येक विचार के भीतर प्रवेश कर हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं। भगवत गीता, दर्शन का एक सर्वोत्तम काव्य स्वरूप है इस उपदेश का केंद्र है संग्राम स्थल जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दर्शन का उपदेश दिया है गीता में वर्णित तीव्र कर्मण्यता और उसी कर्म के बीच अनंत शांति का भाव होना ही कर्म रहस्य कहा गया है और इसी अवस्था की प्राप्ति करना वेदांत का लक्ष्य है साधारण क्या अकर्म का अर्थ होता है निश्चे पर यह मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती क्योंकि यदि यह निश्चेष्टता सत्य होती तो हमारे चारों ओर की दीवारें भी परम ज्ञानी होती वे भी तो मिट्टी के ढेले और तने भी जगत के महातपस्वी में गिने जाते क्योंकि वे भी तो निश्चे है वेदांत का मूल सिद्धांत यह एकत्व तो अथवा अखंड भाव है तो कहीं नहीं है दो प्रकार का जीवन अथवा जगत नहीं है एक मात्र जीवन है एकमात्र जगत है एकमात्र सत्य है सब कुछ वही एक सत्ता मात्र है भेद केवल परिमाण का है प्रकार का भी नहीं यदि मनुष्य का जीवन अनंत है तो पशु जीवन भी उसी प्रकार का है प्रभेद केवल परिमाणगत है प्रकारगत नहीं जैसे अमीबा और मैं एक ही हूँ का है और सर्वोच्च जीवन की दृष्टि से देखने पर ये सारे विभेद समाप्त हो जाते हैं मनुष्य के स्वभाव में पुरातन रक्षण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है मनुष्य को आदर्श अवस्था में पहुंचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए परंतु यदि को, तो कोई तुम्हें निम्न स्तर पर खींच कर ले जाए तो उसकी बात मत सुनो क्योंकि यह अव्यवहारिक धर्म होगा मनुष्य को सांसारिक दासता से ऊपर उठकर ईश्वर के स्तर तक उठना चाहिए हमें कभी भी दूसरों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए क्योंकि वह परिमाणगत भेद को दर्शाता है जो दुर्बलता है वह सबलता में है प्रकाश और अंधकार में है जीवन और मृत्यु में है सब वही एक है जो अपने को विचार जीवन आत्मा या देह के रूप में अभिव्यक्त करता है वेदांत मत में यदि हमारे अंदर दुर्बलता है तो कोई चिंता नहीं हमें तो विकास करना है वेदांत कहता भी है कि वाह जगत के प्रति हम गलत व कपटी हो सकते हैं पर अपने मन के अंतराल में हम सब अपनी दुर्बलताओं को जानते हैं अतः दुर्बलता का उपचार उसका चिंतन करने से नहीं वरन बल का शक्ति का चिंतन करना है वेदांत मनुष्य को पूर्ण शुद्ध स्वरूप कहता है जिसमें पाप नहीं है, अपनी आत्मा को पाप से नहीं, वरन उस आत्मा की आत्माभिव्यक्ति उसके उच्चतर भाव में प्रकाशित करने की होनी चाहिए और ये हम सब कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अनंत स्वरूप है मनुष्य के स्वरूप की तुलना में देश काल स्पेस एंड टाइम भी कुछ नहीं है मनुष्य सर्वशक्तिमान है वेदान, हमारे दैनिक जीवन में, नागरिक जीवन में ग्राम में जीवन में राष्ट्रीय जीवन में और प्रत्येक राष्ट्र के घरेलू जीवन में परिणत किया जा सकता है क्योंकि यदि धर्म मानव को हर स्थिति में सहायता नहीं प्रदान कर सकता तो वह धर्म उपयोगी भी नहीं हो सकता क्योंकि तब वह धर्म कोरा सिद्धांत बनकर रह जाएगा धर्म यदि मानवता का कल्याण करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह मनुष्य की सहायता प्रत्येक दिशा में कर सकने में तत्पर एवं सक्षम तभी वेदांत के सिद्धांत अथवा धर्म के आदर्श सार्थक प्रमाणित हो सकेंगे वेदांत के मत में आत्मविश्वास का आदर्श भी हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है यदि इस आत्मविश्वास का और और भी विस्तृत रूप रूप से प्रचार होता है और यह कार्य में परिणत हो जाता है तो यह दृश्य बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि वेदांत का आदर्श जो प्राकृतिक कर्म है वह अनंत शांति के साथ संयुक्त है किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वह स्थिरता कभी नष्ट नहीं होती चित्त की गंभीरता कभी भंग नहीं होती मनुष्य जितना अधिक शांत होता है उतना ही ज्यादा उसका आत्म कल्याण होता है और हम काम भी अधिक अच्छी तरह कर पाते हैं किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वह स्थिरता कभी नष्ट नहीं होती साथ ही चित्त का साम्य भाव कभी भंग नहीं होता अंततः यही मनोवृत्ति सबसे ज्यादा उपयोगी होती है मनुष्य के अंदर कार्य करने के लिए भीतरी आवेग जितना ही कम रहता है उतना ही अच्छा कार्य होता है भावनाएं हमारे मन को अपने अधीन कर लेती हैं और कार्य की परिणति वृथा भावुकता मात्र में परिवासित होकर छह भी हो जाती है जब मन अत्यंत शांत और एकाग्र एक रहता है तभी हम लोगों की समस्त शक्ति सत कार्य में व्यय होती है इसका उदाहरण हमें महान व्यक्तियों की जीवनी में स्पष्ट दिखता है कि वे कितने शांत प्रकृति के लोग थे कोई भी वस्तु व भाव उनके चित्त की स्थिरता भंग नहीं कर पाती थी अर्थात जो व्यक्ति शीघ्र ही क्रोध घृणा या किसी अन्य आवेग से अभिभूत हो जाता है वह कोई काम नहीं कर पाता और कुछ भी व्यवहारिक नहीं कर सकता केवल शांत क्षमाशील स्थिर चित्त व्यक्ति ही सर्वोत्तम कार्य कर पाता है वेदांत आदर्श का उपदेश देता है और आदर्श वास्तविक की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च होता है हम जीवन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखते हैं एक है अपने आदर्श का सामंजस्य जीवन से करना और दूसरा है जीवन को आदर्श के अनुरूप उच्च बनाना इसमें पहली प्रवृत्ति हमारे जीवन का एक प्रमुख प्रलोभन है कि मैं सोचता हूं कि मैं कोई विशेष कार्य कर सकता हूँ शायद यह उसके पीछे क्रोध घृणा अथवा स्वार्थपरता का आवेग ही विद्यमान है इस संदर्भ में विशेष उपदेश निश्चय ही यही होगा कि स्वार्थपरता तथा आत्म सुख का सर्वथा त्याग करना चाहिए वेदांत पूर्ण रूप से व्यवहारिक है साधारण अर्थ में नहीं बल्कि आदर्श के दृष्टिकोण से भी वेदांत का आदर्श कितना ही उच्च क्यों न हो वह किसी असंभव आदर्श को हमारे समक्ष नहीं रखता और वास्तव में यही आदर्श सही है वेदांत का उपदेश है तत्व मसी तुम ही वह ब्रह्म हो यही समस्त उपदेश की अंतिम परिणति है मानवता शुद्ध स्वभाव मानव आत्मा शुद्ध स्वभाव और सर्वज्ञ है आत्मा के संबंध में जन्म अथवा मृत्यु की बात करना भी कोरी विडंबना मात्र है क्योंकि आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु मैं मरूंगा अथवा मरने में डर लगता है यह सब कुसंस्कार है वेदांत सबसे पहले मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहता है जिस प्रकार संसार का कोई धर्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने से बाहर सगुण ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है उसी प्रकार वेदांत भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है अपनी आत्मा की महिमा में विश्वास न करने को ही वेदांत में नास्तिकता कहा गया है वेदांत यह दृढ़ रूप से स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस सत्य को जीवन में प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह सत्य पहले से ही सिद्ध है और पहले से ही विद्यमान है इसमें ब्रह्मांड की समूची शक्ति पहले से ही मौजूद है मनुष्य स्वयं अपने नेत्रों पर हाथ रखकर अंधकार अंधकार कहकर करते हैं यह सत्य है कि चारों तरफ कोई अंधकार नहीं है अपना हाथ हटाने पर यह देखते हैं कि वहाँ प्रकाश पहले से ही वर्तमान था अंधकार कभी था ही नहीं दुर्बलता कभी नहीं थी वेदांत स्पष्ट करता है कि वह आदर्श हम सब मानवों को पहले से ही प्राप्त है और यह आदर्श हमारी प्रकृति सत्ता है जो हमारा स्वरूप भी है बाकी जो कुछ भी हम देखते हैं वह संपूर्ण मिथ्या है वेदांत पाप को स्वीकार नहीं करता साथ ही वेदांत भ्रम को स्वीकारता है वेदांत दर्शन के अनुसार सबसे बड़ा भ्रम है स्वयं को दुर्बल पापी व भाग्यहीन कहना यह कहना कि मुझ में कुछ करने की शक्ति नहीं है या मैं यह कार्य नहीं कर सकता इत्यादि जो अपने को निर्बल मानता है जो अपने को निर्बल मानता मानता है 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 वह वह अशांत होता है। परंतु जो अपने को सबल शांत है, है वह जगत में एक सत विचार प्रवाहित करता है वेदांत दर्शन के अनुसार मिथ्या विचार का परित्याग करने की बात कही गई है क्योंकि ऐसा होने पर ही मानव पहले से ज्यादा पवित्र हो जाता है क्योंकि जब मनुष्य के आगे से आवरण हटता जाता है अंधकार छटता जाता है और आत्मा की स्वाभाविक पवित्रता प्रकाशित होने लगती है तब तो वेदांत का यह मत है कि सत्य का साक्षात कर पाता है मनुष्य और यदि हमारे आत्मा की सत्ता पर असत का आवरण है तो मनुष्य सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता है और यह मनुष्य के लिए लज्जा की बात है वेदांत निसंदेह हमारे दैनिक जीवन में नागरिक जीवन में ग्राम्य जीवन में राष्ट्रीय जीवन में और प्रत्येक राष्ट्र के घरेलू जीवन में परिणत किया जा सकता है क्योंकि यदि धर्म मानव को हर स्थिति में सहायता नहीं प्रदान कर सकता तो वह धर्म कभी उपयोगी भी नहीं हो सकता क्योंकि तब वह धर्म कोरा सिद्धांत बनकर रह जाएगा। धर्म यदि मानवता का कल्याण करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह मनुष्य की सहायता प्रत्येक दिशा में कर सकने में तत्पर एवं सक्षम हो तभी वेदांत के सिद्धांत अथवा धर्म के आदर्श सार्थक प्रमाणित हो सकेंगे वेदांत के मत में आत्मविश्वास का आदर्श भी हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता है और यह कार्य रूप में परिणत हो जाता है तो यह दृढ़ विश्वास की जगत में जितना दुख और अशुभ है वह नहीं रहता स्वतः ही नष्ट हो जाता है जब यह संकल्प हम अंतर में अपने विश्वास के साथ पैदा कर लेते हैं कि हम महान हैं और महान ही बनेंगे तब यह आत्मविश्वास हमारी सबसे ज्यादा सहायता करता है संकल्प दृढ़ होना चाहिए मनुष्य कितनी भी अवनति की अवस्था में क्यों ना पहुंच जाए एक समय ऐसा अवश्य आता है कि मनुष्य अपने में विश्वास करना सीखता है मनुष्य का मनुष्य के बीच जो भेद है वह केवल आत्मविश्वास की उपस्थिति तथा अभाव के कारण ही है इस आत्मविश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल हो जाता है जिसमें आत्मविश्वास नहीं वही नास्तिक है क्योंकि वेदांत एकत्ववाद की भी शिक्षा देता है इस विश्वास का अर्थ है सबके प्रति विश्वास क्योंकि सभी एक है अपने प्रति प्रेम का अर्थ है सभी प्राणियों से प्रेम समस्त पशु पक्षी व जीव से प्रेम सभी वस्तुओं से प्रेम क्योंकि मूलतः हम सब एक ही हैं। यही महान दृढ़ विश्वास जगत को अधिक अच्छा बना सकेगा यही मेरा भी विश्वास है वही मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य है जो सच्चाई के साथ कह सकता है कि वह अपने संबंध में सब कुछ जानता है क्या हम यह जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर कितनी ऊर्जा कितनी शक्ति कितने बल व गुण अभी तक छिपे हुए हैं मनुष्य में जो बल है ज्ञान है उस सब का ज्ञान कौन सा वैज्ञानिक प्राप्त कर सकता है लाखों वर्षों से मनुष्य पृथ्वी पर है किंतु अभी तक उसकी शक्ति परमाणविक अंश ही प्रकाशित हुआ है अतय मनुष्य को स्वयं को दुर्बल कभी नहीं समझना चाहिए क्योंकि मनुष्य के भीतर शक्ति और आनंद का अपार सागर भरा हुआ है वह नहीं जानता अतः मनुष्य इसी विचार शक्ति के प्रभाव से सभी कार्य को पूर्ण रूप से संपादित कर सकता है जड़ शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है इसी विचार से अपने जीवन को प्रेरित करना है स्वयं की तेजस्विता सर्वशक्तिमता और गरिमा के भाव से अपने ऊपर संपूर्ण रूप से ईश्वरी कृपा को प्राप्त करना है क्योंकि यह सब मानव प्राप्त कर सकता है अपने आत्मनिष्ठता से अपने बल से ईश्वरक्षा की ईश्वरे ईश्वरेक्षा से भी यही बल प्राप्त कर हम अपने को पूर्ण बना सकते हैं अतः वेदांत के आदर्श व सिद्धांत सर्वत्र सदैव ग्रहणीय है समस्त मानव जाति इसे अपने अनुभव से अपने प्रयास से सर्वोच्च गुणों को अपनाकर अपने जीवन को व्यवहारिक व सार्थक निसंदेह बना सकते हैं धन्यवाद